बयान दिया है उसको वापस ले। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित टिप्पणी के बाद मामला गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। विरोध का असर रविवार को मशरक में भी देखने को मिला। मशरक के महावीर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं के लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा मंत्री को जूता मारकर रैली के साथ पुतला दहन किया गया। जूता मार कार्यक्रम और पुतला दहन के दौरान की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बिरबल प्रसाद कुशवाहा, वरिष्ठ भाजपा नेता कुमार रजनीश उर्फ झुन्ना पांडे, भाजपा किसान मोर्चा जिला मंत्री रवि रंजन सिंह मंटू, सुनौली पूर्व मुखिया प्रतिनिधि संतोष परमार, भाजपा महासचिव श्याम बिहारी सिंह, अतुल पांडे, बजरंग दल के नंदन बाबा समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने शिक्षा मंत्री के पुतला के साथ महाराणा प्रताप चौक से महावीर चौक तक भ्रमण करते हुए महावीर चौक पर पुतला आग के हवाले कर दिया। भ्रमण के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के पुतले पर जूता बरसाया। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बिरबल प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि बिहार के भ्रष्ट शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस के बारे में जिस तरह से गलत बयानबाजी की गई है यह कहीं से भी सही नहीं है। मंत्री के बयानों का विरोध करते हुए जूता मार कार्यक्रम के साथ पुतला दहन भी किया गया। वहीं सुनौली पूर्व मुखिया प्रतिनिधि संतोष परमार ने बताया कि जिस तरह से रामचरितमानस को पूरा दुनिया स्वीकार कर रहा है वहीं दूसरे तरफ नास्तिक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, यह कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता कुमार रजनीश उर्फ झुन्ना पांडे ने बताया कि शिक्षा मंत्री द्वारा बिहार में तालिबानी हुकूमत जैसे फरमान और बयानबाजी की जा रही है, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अविलंब शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर ने भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर जो कुठाराघात किया है वो हिंदू समाज नहीं सहेगा। उनको इस कृत्य के लिए माफी मांगना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ कि अविलंब इन्हें शिक्षा मंत्री से बर्खास्त कर और इन्हें गलती जो किए हैं उसके प्रायश्चित के लिए वो बनाना चाहे। श्री राम जानकी शिव मंदिर मसरक का पुजारी, मैं यही कहता हूँ कि रामचरितमानस पर जो हमारे शिक्षा मंत्री बिहार के टिप्पणी किए हैं वे दो प्रकार के होते हैं लोग, एगो आस्तिक और एक नास्तिक। यदि नास्तिक हैं तो उनको शिक्षा मंत्री या किसी भी मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। यदि आस्तिक है तो अपनी गलती को सुधारें और या समुद्र जो है इस समुद्र से उनकी झोली बहुत छोटी है उस झोली में कुछ भरें और भरकर भगवान श्री राम की जो जीवनी है उस पर टिप्पणी करना बंद करें। इससे उनकी भी कल्याण होगी और जनता जनार्दन की भी कल्याण होगी। जो गलत रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ पर जो गलत बयान दिया है उसको वापस ले, हिंदुओं से माफी मांगे और मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उनको जल्दी पार्टी से बर्खास्त करें तथा अपने शिक्षा मंत्री पद से भी उनको हटाएं। नहीं तो हम लोग इसके बाद और भी बृहद आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इस पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने जो उंगली उठाया है, जो आरोप लगाया है, वैसे शिक्षा मंत्री को मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार उसे बर्खास्त करे और शिक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने रामचरितमानस जो हिंदू समाज का एक पवित्र ग्रंथ है उन्होंने इस ग्रंथ को आरोपित किया है। ऐसे शिक्षा मंत्री को बिहार सरकार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें बर्खास्त करने की मांग करता हूँ। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।